हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आईपीएल 2023 खत्म हो चुका है। आरसीबी टीम का सफ़र भी आईपीएल 2023 में ख़त्म हो गया है। अब 2024 के लिए आरसीबी की टीम तैयारी करना शुरू कर देगी। ऑक्शन जहां तक चांसेस है शायद से मिड ऑफ दिसंबर में होगा या फिर लास्ट दिसंबर में होगा या फिर जैन के स्टार्टिंग वीक में भी हो सकता है। लेकिन ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम जो है अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर देगी। ऑक्शन के बाद स्क्वाड क्या होगा ये तो देखना होगा। लेकिन दोस्तों, आरसीबी टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज़ करने वाली है कहीं ना कहीं फैंस को थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया होगा। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है आरसीबी टीम के प्लेयर्स का आईपीएल 2023 में, उस हिसाब से देखते हुए ये लग रहा है कि शायद से 2024 के लिए आरसीबी की टीम कई बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाली है और ऑक्शन से कुछ बेहतर खिलाड़ियों को खरीद करके अपने स्क्वाड में शामिल करेगी। वहीं दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी टीम की दो कौन से ऐसे कंफर्म खिलाड़ी होने वाले हैं जिन्हें टीम हर हाल में रिलीज़ कर सकती है और रिलीज़ करने के बाद आरसीबी टीम के पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। सारी जानकारी आपको देने वाले हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों, कंफर्म जो ये दो नाम रिलीज़ हो सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो भाई, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो यार, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर यार उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। फटाफट जाओ, लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करके रख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 में आरसीबी टीम ज़्यादा डिपेंडेंट रही फैफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, सिराज और विराट कोहली के ऊपर। इन चार प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही खिलाड़ियों ने किसी भी तरह का ज़्यादा योगदान नहीं दिया है टीम में। लगभग 70% का योगदान जो है इन चार खिलाड़ियों का रहा है आरसीबी टीम का। बाकी 30% में आप ये कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। दो तीन खिलाड़ियों ने कुछ कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें लोमरर हो गए, बेस्टवेल हो गए, इन सारों ने ही अच्छा किया आरसीबी टीम के लिए इस सीजन। बाकी किसी भी मैच में किसी भी खिलाड़ी की कंसिस्टेंसी नहीं दिखी थी, मात्र फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, सिराज और मैक्सवेल को छोड़ करके। तो ऐसे में दोस्तों, आरसीबी की टीम 2024 से पहले दो कन्फर्म खिलाड़ियों को रिलीज़ करने वाली है और उनके नाम हैं, पहले तो है दिनेश कार्तिक, दूसरे नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल ने दोस्तों इस सीजन जो है 13 मैचेस खेले, 14 विकेट तो हासिल किए, वो भी 10 की इकोनॉमी रेट के साथ। हालांकि डेथ में गेंदबाजी करते हैं, इतना आसान होता नहीं है, मगर भाइयों अब वो सीनियर प्लेयर बन चुके हैं तो ऐसे में उन्हें थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी अच्छी गेंदबाजी करने की, मगर उनसे नहीं हो पाया। एक दो मैचेस में अच्छा किए लेकिन रन्स काफ़ी दे देते हैं, इकोनॉमी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसके चलते आरसीबी टीम उन्हें जो है आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर देना चाहेगी। इनका एक फ़ायदा ये होने वाला है कि हर्षल पटेल को रिलीज़ करने के बाद आरसीबी टीम के पास 10.75 करोड़ रुपये वापस आ जाएंगे, जिसकी मदद से ऑक्शन से वो कुछ अच्छे भारतीय तेज गेंदबाजों को भी खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वहाँ पर दूसरा नाम होगा दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक के ऊपर टीम जो है एज अ फिनिशर भरोसा कर रही थी। फैंस भी ये उम्मीद कर रहे थे कि दिनेश कार्तिक इस सीजन जो है आरसीबी टीम के लिए मैचेस जिताएंगे, फिनिश करेंगे, बल्लेबाजी से अपने बड़े बड़े छक्के लगाएंगे और टीम को जो है इस बार चैंपियन बनाने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दिनेश कार्तिक का फॉर्म इस साल बेहद ख़राब रहा। कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा एज फैक्टर भी आ जाता है, जिसके चलते आरसीबी टीम आईपीएल 2024 से पहले उन्हें कन्फर्म रिलीज़ कर देना चाहेगी। दिनेश कार्तिक को रिलीज़ करने के बाद आरसीबी टीम के पास 5.5 करोड़ रुपये और आ जाएंगे और इन दो प्लेयर्स को रिलीज़ करते ही आरसीबी के पास जो है टोटल 16 करोड़ रुपए आ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। इसलिए दोस्तों, इसलिए भी आरसीबी टीम इन दोनों प्लेयर्स को रिलीज़ करना चाहेगी, इनकी प्लेस पर किसी अच्छे खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में लेकर आना चाहेगी। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आरसीबी की कंफर्म रिलीज लिस्ट को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।